तो रायपुर में भूपेश बघेल ने बीजापुर के पीडिया में हुई मुठभेड़ कर कहा कि उसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी। नक्सलवाद का खात्मा हम भी चाहते हैं, लेकिन निर्दोष लोगों की हत्या के खिलाफ। ये सीजन ही है, गर्मी की सीजन, जिसमें नक्सली घटनाएं बढ़ती है और पुलिस सर्चिंग भी करती है और घटनाएं भी होती है। अभी जिस प्रकार से जवानों ने जो पराक्रम दिखाया उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ, लेकिन एक बीच में जो ग्रामीण जनों ने जो शिकायत की उसमें एक कमेटी हमारे कांग्रेस पार्टी की ओर से बनी थी कि वास्तविकता क्या है उसकी जाँच लें। वो कमेटी गई है, हम ही चाहते हैं नक्सलियों का सफाया हो, लेकिन ग्रामीणों के जान की कीमत नहीं होना चाहिए। और खबर हरदा से, यहाँ जिले के जिला शिक्षा अधिकारी पीएम सिंह को निलंबित कर दिया गया। दरअसल पीएम सिंह उस मतदान केंद्र के सेक्टर अधिकारी थे जहां पूर्व मंत्री कमल पटेल अपने पोते को लेकर मतदान करने गए थे। इस मामले में कलेक्टर ने कमिश्नर को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था, इसके बाद संभाग कमिश्नर ने निलंबन की यह कार्रवाई की है। कितने हैरत की बात है कि नेता जब चलता है अपने रसूख के साथ चलता है, पर नेता के निलंबन का तो ऑप्शन है नहीं कोई, इस वजह से उन्हें निलंबित कर दो जो अपनी नौकरी बचाएं या अपनी जिम्मेदारी निभाएं। बिलासपुर संभाग का सबसे बड़ा और राज्य का दूसरा मल्टी सुपर स्पेशलिटी सरकारी हॉस्पिटल बनकर तैयार है, लेकिन स्टाफ की कमी और इलाज के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट न होने की वजह से यह अस्पताल अधर में लटका हुआ है। यह है छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। बिलासपुर के कोनी में अस्पताल की 10 मंजिला इमारत बनकर तैयार है, लेकिन डॉक्टर, दूसरे स्टाफ और अन्य जरूरी उपकरण नहीं होने की वजह से मरीजों का इलाज नहीं शुरू हो पाया है। 200 करोड़ की लागत से बनने वाले इस अस्पताल की नींव 2018 में रखी गई, जिसे 2020 में पूरा हो जाना था। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से बनने वाले इस अस्पताल के लिए पिछली कांग्रेस की सरकार ने अपने हिस्से की 40% राशि नहीं जारी की, जिसकी वजह से अस्पताल अभी भी शुरू नहीं हो पाया, लेकिन राजनीति जरूर शुरू हो गई है। वहाँ पर कर्मचारियों की भर्ती है, वहाँ जो डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट है, वहाँ पर जो मशीनें आनी हैं, वहाँ पर जो इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स आने हैं, उसकी समुचित व्यवस्था करके उसको जल्दी से जल्दी शुरू किया जाना चाहिए। और इसको युद्ध स्तर पर जब काम करेंगे तभी वो शुरू हो पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी को 6 महीने सरकार में आए हो गए, पर वो अभी तक विकास के मूड में नहीं आई है। माननीय विधायक धर्मजीत सिंह जी तखतपुर के विधायक स्वास्थ्य मंत्री जी को लेकर आए थे जसवाल जी को, और उन्होंने निरीक्षण किया था और निर्देश भी दिया है कि हॉस्पिटल का निर्माण जल्द से जल्द पूरा किया जाए और साजो सामान जो है, ताकि मरीजों को इसका लाभ मिले, ये जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और उस हॉस्पिटल में हमको ऐसा उम्मीद है कि बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। अस्पताल में इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ काम अभी अधूरा है। 55 में से 25 जांच मशीनें अभी तक नहीं मिली, जिसकी वजह से इंस्टॉलेशन का काम रुका है। अधिकारियों की माने तो ओपीडी शुरू करने के लिए फर्नीचर नहीं लगा है, स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पाई है। ये देखिए, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एचआर की जरूरत होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसमें वार्ड बॉय, नर्सेस, पूरे स्टाफ जो चाहिए। हमने डॉक्टर्स के स्टाफ तो भर लिए हैं कम से कम 75%, परंतु जब तक सामान नहीं लगेगा, एडमिन फर्नीचर नहीं आएंगे और हॉस्पिटल फर्नीचर नहीं आएंगे तो चालू करना अभी मुश्किल है। मेरे को लगता है इसमें 2-3 महीने और लगेंगे। ये बिलासपुर के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों की जनता जो आती है, गरीब जनता, मध्यम वर्गीय परिवार जनता, जो इलाज कराने में असमर्थ रहती है प्राइवेट हॉस्पिटलों में, उनके लिए ये वरदान साबित होगा। और निश्चित ही ये, मुझे ऐसा लगता है कि ये शीघ्र से शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। 240 बेड वाले इस हाईटेक सरकारी अस्पताल में सबसे पहले 6 विभाग शुरू होंगे। इनमें नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, CTVS, न्यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी शामिल है। इस अस्पताल के शुरू हो जाने से यहां के गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। बिलासपुर से न्यूज 18 के लिए उमेश मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्व निरीक्षक सस्पेंड कर दिया गया है, RI संतोष कुमार निराकरण।
कल हमने लगातार आपको ये खबर प्रमुखता से दिखाई थी। एसीबी ने कल गिरफ्तार किया था, 1 लाख की घूस लेते से पकड़ा गया था। सीमांकन के लिए मांगी थी इसने 1.5 लाख रुपए की घूस। ये रफ्तार देख रहे हो, कल घूस लेते पकड़ा गया, आज निलंबन हो रहा है। आरआई संतोष कुमार देवांगन सस्पेंड। एसीबी ने कल ही 1 लाख की घूस लेते इसे पकड़ा था। सीमांकन के एवज में घूस मांग रहा था, जिससे घूस मांग रहा था उसने एसीबी को शिकायत कर दी। एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ दिया, उसे निलंबित करने में 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। बिलासपुर का पूरा मामला, आरआई संतोष कुमार देवांगन सस्पेंड कर दिया गया है। एसीबी ने, एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। छोटी मोटी रिश्वत भी नहीं, 1 लाख रुपए की घूस ले रहा था। इंदौर में नशे के अवैध कारोबार को काबू में करने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, और इसी क्रम में पुलिस ने 2 महिला तस्कर और एक पुरुष पर एनएसए के तहत कार्रवाई की है। पकड़ी गई महिला तस्कर पंगुबाई पर 23 अवैध नशीले पदार्थ के मामले दर्ज हैं। उषा नाम की एक महिला है, इस पर 1 दर्जन से ज्यादा एनडीपीएस के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने राजस्थान के अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले आमिर खान को भी पकड़कर एनएसए लगाया है। तीनों आरोपियों को केंद्रीय जेल भेजा गया है। कल इंदौर पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मिली है नशे के कारोबारियों के विरुद्ध, जिसमें कुल इंदौर से 3 और जोन 1 से विशेष तौर पर 2 जो व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध पिट्स एनडीपीएस कन्फर्म हुआ है। इसमें एक आजाद नगर के में ट्रक पेडलर पांगुबाई है, जो लगातार इस तरह के कृत्य में काफ़ी टाइम से संलिप्त है, और इनके ऊपर कुल 23 अपराध हैं, जिसमें से एनडीपीएस के इनके विरुद्ध लगभग 3 अपराध हैं। स्वास्थ्य विभाग ने देश को साल 2025 तक टीबी मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में तेजी से टीबी के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऊपर से प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में दी जाने वाली बीमारी की दवा नहीं है। ऐसे में इस आदिवासी प्रदेश में टीबी की बीमारी नई मुसीबत बन रही है। टीबी एक ऐसी बीमारी जिसने महामारी का रूप अख्तियार कर पूरे देश में न जाने कितने लोगों की जान ले ली। आज भारत को 1 साल के भीतर टीबी मुक्त घोषित करने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस बीमारी ने एक बार फिर से पैर पसारना शुरू कर दिया है। ऊपर से अस्पतालों में मुफ्त में दी जाने वाली टीबी की दवाइयाँ नहीं है। इस साल 2024 में जो सरकारी आंकड़े निकल कर सामने आए हैं, उसके मुताबिक 1 जनवरी से 9 मई 2024 तक प्रदेश में टीबी के 13,264 मरीज मिले। सरकारी अस्पतालों में टीबी की दवा नहीं होने से बीमारी एमडीआर यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का रूप अख्तियार कर रही है। टीबी के मरीज को दवा नहीं मिलने या रेगुलर दवा नहीं खाने पर बीमारी एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है और मरीज एमडीआर स्टेज में चला जाता है। बाद में ऐसे मरीजों पर दवा असर करना बंद कर देती है। एमडीआर स्टेज में मरीजों के मरने का आंकड़ा 60% तक पहुंच जाता है। छत्तीसगढ़ में अब तक 532 एमडीआर केस की पहचान हो चुकी है। पिछले साल 2023 में छत्तीसगढ़ में 38,826 टीबी के मरीज मिले थे। क्योंकि जो इस मात्रा में सप्लाई होती थी, उस मात्रा में वर्तमान में अभी सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो लेकिन जिलों को जो है लोकल स्तर पे क्रय करने की अनुमति दी गई है और वो लोग आवश्यकता अनुसार क्रय कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में टीबी की दवा की किल्लत का आलम यह है कि अधिकारियों ने मरीजों को बाजार से दवाइयां खरीदने के निर्देश दिए हैं। और वो दवाई की सप्लाई जो है वो सेंट्रल टीबी डिवीजन से होती है। कालीबाड़ी से दवाई हमारे यहाँ पर प्रोक्योर की जाती हैं। पिछले कुछ महीनों से टीबी की दवाइयां की सप्लाई नहीं है। अभी तो कुछ दिनों पहले हमको ये भी इंस्ट्रक्शंस आए थे कि दवाइयां तो नहीं, लेकिन पेशेंट को दवाइयां तो देना है, तो आप पेशेंट को प्राइवेट से दवाई लिख कर दे सकते हैं। प्रदेश की राजधानी रायपुर के अस्पतालों का आलम यह है कि यहाँ टीबी की दवाइयाँ का सिर्फ 15 दिन का स्टॉक बचा है। सीएमएचओ कह रहे हैं कि कोशिश की जा रही है स्टॉक खत्म होने से पहले दवाएं मिल जाए। हाँ, रायपुर जिले में जो टीबी मरीज दवाई खा रहे हैं, तो उसमें वर्तमान में रायपुर जिले में भी 15 दिन की दवाई बची हुई है और लगातार प्रयास हो रहे हैं कि 7 से 8 दिन में दवाई हमको उपलब्ध हो जाए। मेरी अपील यही है टीबी के जो संक्रमित व्यक्ति हैं
कि अगर दवाई अब चल रही है तो लगातार दवाई खाना है, छोड़ना नहीं है, कि उसका कोर्स पूरा करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप टीबी मुक्त हो सकते हैं। अगर बीच में छोड़ते हैं दवाइयाँ कुछ एक दो महीने के लिए तो फिर दिक्कत आती है और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट की ओर जाता है मरीज। एक वक्त था जब बुनियादी सुविधाओं का अभाव, चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था, बेतहाशा आबादी के बीच टीबी की बीमारी का देश में खूब विस्तार हुआ। वक्त, हालात और व्यवस्था बदलने के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ और स्वास्थ्य महकमा 2025 से देश को टीबी मुक्त घोषित करने की दहलीज पर खड़ा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी प्रदेश में बढ़ती बीमारी और दवाइयों की किल्लत इस मंसूबे पर पानी फेर सकती है। आकाश शुक्ला, न्यूज 18, रायपुर। इधर सिवनी में डूंडा सिवनी थाने की पुलिस ने एक युवती को शादी और सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर 27 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को बालाघाट से पकड़ लिया है। आरोपी ने खुद को सरकारी अधिकारी बताया, युवती से शादी करने का वादा किया, सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर उसके परिवार से 27 लाख रुपए ठग लिए। युवती और उसके परिवार वालों ने कुछ ही दिनों में इस ठग की असलियत उन्हें समझ में आ गई। आरोपी के पास से 19,57,000 रुपए बरामद किए गए हैं। के द्वारा ये बताया गया था कि उसके साथ शादी का प्रलोभन देकर के और नौकरी लगाने का झांसा देकर के एक आरोपी सूरजलाल टेकाम के द्वारा ठगी की गई है पैसों की, जो लगभग 27 लाख था, जो कि ऑनलाइन और कैश के माध्यम से किया गया था। और 420 का एक अपराध पंजीबद्ध किया गया और इसकी विवेचना के तारतम्य में ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सरगुजा संभाग में पिछले कुछ साल से भूकंप के झटके बढ़ने लगे हैं। भूकंप का केंद्र न होने के बावजूद धरती डोलने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और इसके लिए प्राकृतिक संसाधनों के बेतहाशा दोहन को सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। चारों तरफ हरियाली और इन हरे भरे पेड़ों के बीच बनी खूबसूरत इमारतें देखने में सब कुछ सुंदर लग रहा है, लेकिन सरगुजा संभाग की इन खूबसूरत वादियों में एक खौफनाक खतरा पल रहा है जिसका जिम्मेदार खुद इंसान है। यहाँ पिछले कुछ वर्षों में भूकंप आने की संख्या बढ़ती जा रही है। सरगुजा कभी भूकंप का केंद्र तो नहीं रहा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस इलाके में आने वाले भूकंप का केंद्र भी यही मिल रहा है। जानकारी से विकास के अंधी दौड़ में शामिल होने के लिए धरती का सीना खोखला करने को जिम्मेदार मान रहे हैं। धरती माता को खुद से खोखला कर देने से कलेजा निकाल ले रहे हैं, उसका भी एक मानक होता है। देखिए, जहाँ होता है शासन नीति निर्धारित किया है कि निकालने के बाद उसे बालू से या किसी से भरेंगे। यहाँ तो जितने खजाने हैं सबसे ज़्यादा देखिएगा कोरिया में है, चिरमिरी में निकाले, और निकालने के बाद कोयला निकला, नीचे खोखला हो गया, ऊपर में आदमी बसे हुए हैं हजारों लोग। सरगुजा संभाग में करीब 2 दर्जन कोयला खदाने हैं जहां धरती के नीचे से कोयला निकालकर उसे खोखला कर दिया गया है। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह है कि इस खोखली जमीन के ऊपर हजारों की संख्या में घर बने हैं, लाखों लोग इस जमीन पर रह रहे हैं। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि जिस दिन 5 रिक्टर स्केल से ज्यादा की तीव्रता का भूकंप आया उस दिन यहाँ भारी तबाही होगी। सरगुजा यद्यपि बहुत प्रेरित क्षेत्र नहीं रहा है भूकंप से, प्रेरित क्षेत्र इस लिहाज से कि यहाँ पर एपी सेंटर जनरली भूकंप के नहीं होते थे, लेकिन पिछले 2-4 सालों में यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि लगातार इसके जनन का केंद्र भी सरगुजा क्षेत्र है। साल 2022-23 में सरगुजा संभाग में 8 बार भूकंप आए, उसका केंद्र भी यही रहा। यहाँ के ज्यादातर खदाने अंडरग्राउंड हैं, जहाँ से कोयला निकाल लिया गया है। इन खदानों के नीचे पानी भर रहा है और इसके ऊपरी सतह पर लोग घर बनाकर रह रहे हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा के लिए वो पूरी तरह तैयार है। अधिक तीव्रता के भूकंप आने पर हमारे प्रशासन के द्वारा जो राहत एवं बचाव कार्य है उस पर पूरी तरह से फोकस किया जाएगा। इसके लिए हमारे पास भूकंप रोधी एक अमला भी हम लोगों ने तैयार किया है,
नगर सेना की पूरी टीम है, हमारे पास पुलिस जवान है और इसके अलावा फिर अन्य विभागों की भी टीम है जिसके माध्यम से हम लोग राहत बचाव कार्य को प्राथमिकता से करेंगे। शासन प्रशासन लाख दावा करे लेकिन जिस तरह से यहाँ भूकंप की संख्या बढ़ रही है उस तेजी से इसकी तीव्रता बढ़ती है तो तमाम तैयारियों के बीच प्रकृति अपना हिसाब बराबर कर लेगी, तब धरती का सीना चीर कर खींची जा रही विकास की नकी मौनी पड़ जाएगी। जिस दिन प्रकृति हिसाब बराबर करेगी उस दिन विनाश लीला बहुत भयावह होगी। श्रवण महंत, न्यूज 18, अंबिकापुर।